हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पिछले लेक्चर में सेक्शन 11 तक बता दिया था, आज हम सेक्शन 12 की बात करेंगे। तो सेक्शन 12 हमारा है दिवाले मतलब इंसॉल्वेंसी या प्रेरित अन संक्रमण अटेम्प्ट ट्रांसफ़र पर हित का पर्यवेक्षण बनाने वाली शर्त। इसका अगर वास्तविक अर्थ समझें तो इसका वास्तविक अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को किसी शर्त पर ट्रांसफ़र करता है और जिस व्यक्ति को यह संपत्ति ट्रांसफ़र की जा रही है, तो अगर वह व्यक्ति दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए तो उसकी शर्त तो शून्य हो जाएगी, लेकिन जो अंतरण होगा वो वैध होगा। अब इसमें दूसरी बात आती है, यदि वह व्यक्ति अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र करे, मतलब अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र मतलब अंतरण करने का प्रयास करेगा गलत तरीके से, तो उसकी शर्त भी शून्य होगी और अंतरण भी शून्य हो जाएगा। मतलब अंतरण क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। ठीक, तो और यह बात जो होती है वो पट्टे पर लागू नहीं होती। अगर कोई अपनी भूमि किसी को पट्टे पर देता है तो उस पर यह शर्त लागू नहीं होती। अब इसके कुछ पावर पॉइंट्स हैं कि कोई शर्त या मर्यादा पर अगर संपत्ति को अंतरण कर रहा है, किसी व्यक्ति को संपत्ति अंतरण उसके फायदे के लिए आरक्षित हित पर उससे दिया हुआ हित शर्त या मर्यादा के अनुसार कब समाप्त हो जाएगा, यदि वह दिवालिया हो जाए या उस हित का आगे अंतरण कराने का प्रयास करें, मतलब अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र कराने का प्रयास करें, तो इसका परिणाम क्या होगा, शर्त शून्य, मर्यादा भी शून्य। और इसका जो अपवाद है वो है पट्टा, पट्टे पर ये चीज़ लागू नहीं होती। जो पट्टा करता है, पट्टा से जन अधिकार के अधीन दावेदार के फायदे के लिए हो शर्त या मर्यादा लग सकेगी। तो यदि किसी अंतरण के समय यह शर्त रख दी गई हो कि अंतरिति को पूर्ण स्वामित्व तो दिया जा रहा है, परंतु यदि अंतरिति मतलब जिसको ट्रांसफ़र कर दिया दिवालिया घोषित हो जाए तो संपत्ति अंतरणकर्ता के पास चली जाएगी, मतलब जो ट्रांसफ़र कर रहा है, ऐसी शर्त तो शून्य होगी किंतु अंतरण वैध होगा, मतलब ट्रांसफ़र वैलिड होगा। इसी तरह अगर इसी शर्त इस प्रकार हो, यदि अंतरित संपत्ति का अन्य संक्रमण करने मतलब अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेगा तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे और यह भी सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे और यह शर्त भी अवैध तथा शून्य होगी। इस शर्त को शून्य करार देने का उद्देश्य दिवालिया व्यवस्था के विधानों का प्रभावी रखना है, ताकि कर्ज देने वाले व्यक्ति को भुगतान में निराश न होना पड़े। इस वर्ग की शून्य शर्तें धारा 25 तथा 31 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो अवैध नहीं कहे जा सकते, फिर भी धारा 12 द्वारा उन्हें उत्तरगामी शर्तों के अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया। अब क्यों स्वीकार किया गया, जो धारा 12-13 है वो पट्टे के बारे में, पट्टे के बारे में ये शर्त लागू नहीं, क्योंकि पट्टा जो होता है वो निहित हित के या प्रतिकूल नहीं कही जा सकती, पट्टे द्वारा सीमित अधिकार ही दिए जा सकते हैं। अब इसमें आता है द रूल ऑफ डिपेंडेंस, शून्य अंतरण पर आश्रित अन्य भावी अंतरण। अब इसका क्या मतलब है, यदि पूर्ववर्ती हित मान्य न हो और पश्चावर्ती अंतरण इसी अमान्य शून्य हित पर आश्रित हो तो पश्चातवर्ती अंतरण भी निष्फल रहेगा, क्योंकि यह अत्यंत दूरस्थ करार दिया जाएगा। ऐसे अंतरणों में अंतरणकर्ता का आशय निहित होता है जब तक पूर्ववर्ती हित का यथोचित रूप से उपयोग ना हो, उसके बाद तथा उसी संवार से अंतरण भी घटित नहीं हो। पूर्व हित की शून्यता का कारण चाहे दिवालियापन, आजाद शिशु या चाहे शाश्वता 12-13-14 घटित हो, जैसे आ ने अपना मकान बा के परिवार वालों को ही पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अंतरित कर दिया, ऐसी शर्त के साथ अंतरण किया कि बा के अजात शिशु को सिर्फ जीवन भर के लिए हित रसिष्ट किया, ऐसा अंतरण वैध नहीं होगा। यदि ऐसे अंतरण के समाप्त होने पर संपत्ति सा को दी गई तो सा को संपत्ति नहीं मिल पाएगी, परंतु सिद्धांत के सभी आवश्यक तत्व यथावत पूरे होने चाहिए। अब देखिए इसमें कहने का मतलब है, और थोड़ा डिटेल से समझें, कि
कोई व्यक्ति अपने ही परिवार वालों को एक संपत्ति अंतरण करता है, ट्रांसफर करता है, और ये कहता है कि जब तक ये जीवित रहेगा तब तक ये इसके हित में रहेगी, इसके मरने के बाद इसके जो वो होंगे पुत्र पुत्री होगा तब तक उसके हित में रहेगी जब तक जीवित रहता है। तो ऐसे अंतरण वैध नहीं होंगे। ऐसे अंतरण के समाप्त होने पर संपत्ति सा को दे दी गई हो तो सा संपत्ति को नहीं, तो सा को संपत्ति नहीं मिल पाएगी। ठीक, जैसे एक ही समयवार में दो व्यक्तियों का अंतरण होना चाहिए, दोनों अंतरण इस प्रकार किए गए हो कि दूसरा अंतरण पहले अंतरण पर आश्रित हो तथा दूसरा अंतरण पहले हित के यथावृत रूप से घटित होने या घटित होने पर निर्भर हो। ठीक है, अब आता है क्रिएशन ऑफ इंसर्ट्स, हितों का सृजन। हितों का अंतरण व उनके अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध या उपभोग पर कोई प्रतिबंध शून्य है। धारा 13 से 18 हित के सृजन से संबंधित है। धारा 13, बच्चा जब गर्भ में हो तो उसे कैसी संपदा दिया जाए, हित सृजन के इसे संबंधित पूर्वती या पूर्ण हित रूप है। धारा 14, उनके अंतरण से संबंधित है जो गर्भ में आ सकते हैं और अभी है नहीं। धारा 15 व 16 वर्ग के अंतरण से जुड़ी। ठीक है, तो ये अगले सेक्शन की बात की गई। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको इंसॉल्वेंसी के बारे में बताया उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, मैं इसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।